व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग चेंज इन पीएसआर में सीखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। सुपर प्रॉफिट मेथड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलो फिर सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ पाएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ। एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, दो लेक्चर्स एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बना चुका हूं, तो पूरा देख लो ध्यान से और सभी क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स गाइस, सुपर प्रॉफिट मेथड एक बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी मेथड है और सब कुछ इसके अंदर हमें सामने सामने दिखाई देता है। सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करूं तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। देखो कॉन्सेप्ट में तो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, एक फर्म 1 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट करती है। 1 लाख का क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब फर्म ने जैसे ही कैपिटल इन्वेस्ट करा, कैपिटल इन्वेस्ट करके मार्केट में ना एक नॉर्मल रेट होता है कि अगर एक नॉर्मल फर्म, एक आम फर्म इतना पैसा लगाती है तो वो नॉर्मली इस पे 10% 15% प्रॉफिट अर्न करती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फॉर एग्जांपल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो एक नॉर्मल फर्म कितना एवरेज प्रॉफिट कमाएगी? एक नॉर्मल फर्म, उसके प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाएगी अगर 1 लाख लगाएगी तो? 1 लाख पे 10% कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज। हमारी फर्म ने भी यही 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, हमारी फर्म ने भी यही 1 लाख लगाए हुए हैं और इस 1 लाख पे हम कमा रहे हैं भाई 25,000 रुपीज। हम कितना कमा रहे हैं? 25,000 रुपीज। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? इसको मैं एवरेज प्रॉफिट बोल देता हूँ, कई क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिखा होता है। तो हमने कमाया इसी पे 25,000। देखो एक जो नॉर्मल फर्म है वो कितना कमाती है? 10,000। और हमारी फर्म कितना कमा रही है? 25,000। हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं? हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 15,000। ये जो 15,000 हमने एक्स्ट्रा कमाया जबकि पैसा दोनों ने बराबर लगाया था, उस फर्म ने भी 1 लाख लगाए थे, मैंने भी 1 लाख लगाए थे, मैंने एक्स्ट्रा 15,000 क्यों कमाए? जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुडविल। मुझे एक्स्ट्रा पैसा क्यों मिलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुडविल। एप्पल बी और एचपी बी और डेल बी तीनों एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं लेकिन एप्पल उसी चीज़ के ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, डेल और एचपी उस चीज़ के कम पैसे दे रहा है। अल्टीमेटली क्यों ऐसा हो रहा है कि एप्पल उसी चीज़ के ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड नेम, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन। इसी को हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, समझे? सुपर प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूं तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज कितना कमाया मैंने? 25। नॉर्मल कितना था? 10। तो मेरा एक्स्ट्रा कितना है? 15,000। यही तो मेरा सुपर प्रॉफिट हुआ। ये फॉर्मूला यहाँ से आया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर एवरेज प्रॉफिट अगर निकालने को आ जाए, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? आपने सीखा नहीं है क्या पिछले मेथड में? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी सालों का निकालना है। और सर अगर ये हमारे से ये पूछ ले कि ये नॉर्मल प्रॉफिट गिवन ना हो और हमें ये कहा जाए कि नॉर्मल प्रॉफिट बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? आपने ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला था? नोट डाउन करके चलना इन पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दूसरा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तीसरा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। आपने क्या बोला कि कैपिटल कितनी लगाई हुई है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी मार्केट में क्या रिटर्न चल रहा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मैंने 10% एज्यूम करा था ना, तो 10/100, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। अब इन केस कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ना हो, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन ना हो तो उस केस में आपके पास सीधा सीधा कैपिटल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना,
एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दो तो कैपिटल आ जाता है, या फिर अगर ये गिवन नहीं हुआ तो टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इस तरीके से कर लेना। कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं, या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या फिर टोटल ऑफ कैपिटल्स, यानी कि अगर तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों के कैपिटल जोड़ देना। ये जो टोटल ऑफ कैपिटल है ये इंक्लूडिंग करंट होता है, अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो वो भी आप कैपिटल का ही पार्ट मानोगे, इंक्लूडिंग करंट अकाउंट बैलेंसेस, इसको नोट करके चलेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ये हो गया। अब सर गुडविल कैसे निकलेगी ये तो बता दो। तो ये हमारा नंबर 5 लास्ट गुडविल, गुडविल अगर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालनी है तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं सेम एज एवरेज प्रॉफिट्स। ये पांच चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है सुपर प्रॉफिट के अंडर। 1, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल निकालने का फॉर्मूला या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो क्वेश्चन में गिवन हो। उसके बाद गुडविल सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ये सभी फॉर्मूलाज आप लोग जल्दी से नोट करो। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब गाइस क्वेश्चन में हमारे पास सुपर प्रॉफिट में हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा टोयल इलस्ट्रेशन नंबर 11 के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में गिवन है अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 70,000। इलस्ट्रेशन नंबर 11, पहले मैं सारे के सारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्म्स एवरेज प्रॉफिट इज 70,000, 70,000 का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000, इसके अंदर 5,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट है। आप एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हो, जल्दी से सोचो। 5,000 का एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट, लेस कर देते हैं इसको, हम लेस कर देंगे इसमें से। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 5,50,000, कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन है आपको 5,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। आपको कह रहा है गुडविल निकाल के दिखाओ 4 times द सुपर प्रॉफिट। सीधा सीधा मैं शुरू करूंगा यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि इसने बोला कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करके दिखाओ 4 times द सुपर प्रॉफिट। इसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही तो होता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ माइनस जो एक नॉर्मल फर्म कमा रहा है। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है इसके अंदर, कैपिटल इन्वेस्टेड था 5,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है हमें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, तो 10/100 यानी कि एक नॉर्मल फर्म 55,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ये तो आ गया 55,000 यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट यूजुअली गिवन नहीं होता, इस क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट आर 70,000, लेकिन लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल गेन, इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 यहाँ से माइनस कर दो, द वैल्यू इज 65,000, 65,000 की वैल्यूज आ गई। ये मैंने यहाँ रख दिया 65,000 का एवरेज प्रॉफिट, तो 65 माइनस 55 कितना आया, 10,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। आ गया 10,000 का सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट यहाँ रख दो कि हम लोग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाते हैं मल्टीप्लाइड बाय 4 सालों तक कमाने की उम्मीद है। तो गुडविल कितना आ गया, 40,000 रुपीज़ इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके साथ आप ये यूनिट ज़रूर यूज़ करोगे, 40,000 इज द वैल्यू फॉर गुडविल। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसके बाद हम लोग अगर आगे चलें तो
एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ मैं, CBSE 2019 में आया है, CBSE 2019 में है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 13, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000, एवरेज प्रॉफिट 80,000 रुपीज का है हमारा, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%, अगर कोई और यही बिजनेस करता है तो वो 10% नॉर्मली अर्न करता है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 lakh एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैसे होगा, आ जाओ ये देखते हैं, ये हटा देते, 2019 CBSE में आया हुआ सवाल, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, इसके ऊपर लिख लेना सावधान इंडिया, सावधान इंडिया का मतलब इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000, हमें एक तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 80,000, आप लोग ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करोगे एग्जाम में, एवरेज प्रॉफिट ही लिखोगे 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एक नॉर्मल बिजनेस पैसा लगा के 10% कमा लेता है, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 lakh, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 lakh, और ये गुडविल निकला कैसे है ये भी बता दो, ये गुडविल निकला है 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 से निकला है ये गुडविल, अब हमें कहा जा रहा है कि आप हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करके दिखाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड आप हमें ढूंढ के दो, हमने कहा भाई कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4, गुडविल की वैल्यू 1 lakh पता है, क्या मैं यहाँ पे गुडविल की वैल्यू रख दूं, 1 lakh इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 है तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ गया 1 lakh, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा 1 lakh डिवाइड बाई 4 यानी कि 25,000 रुपीज, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 25,000 रुपीज, अब आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहाँ से शुरू करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करा 25,000, एवरेज प्रॉफिट भी आपको पता है ये रहा 80,000, क्या आप यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा यहां से, देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 80,000 माइनस 25,000, तो 80 माइनस 25 कितना आता है, ये आ जाएगा हमारे पास 55,000, 55,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, अब आपको ये भी पता है कि नॉर्मल कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100, इस तरीके से निकल जाता है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट है 55,000, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें नहीं पता, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100 है, 10/100, तो यहाँ से ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन था ना, ये जीरो से जीरो खत्म हो गया, यानी कि आपके पास, वैसे तो मैं डायरेक्टली यहाँ ला सकता हूँ लेकिन फॉर योर सिंप्लीफिकेशन और कर देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 10, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5,50,000, देखो 5,50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर आंसर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, इसको आप एक बार और देखना ध्यान से, क्लियर हुआ, ये आ गया हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 13, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15 हटा दूं इसको, साथ साथ नोट कर लिया करो मेरे, इलस्ट्रेशन नंबर 15 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, पहले पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में लिखा है, ऑन 1st April एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश, एसेट्स हैं 75,000 के जिसमें कैश भी है 5,000 का, कोई बात नहीं है तो क्या हो गया, कैश तो एसेट्स का ही पार्ट है, ठीक है, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, कैपिटल का बैलेंस है 60,000 एंड रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, ठीक है, कह रहा है जो कैपिटल्स हैं वो 60,000 की हैं और बाकी सब रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स हैं कितने हैं हमें नहीं बता रहा, ओके, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, फिर से गुडविल गिवन है, गुडविल गिवन है तो हमें कुछ और फाइंड आउट करना होगा, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इस बार एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो लो जी सबसे पहला काम क्या क्या गिवन है मैं वो लिख देता हूँ फॉर योर हेल्प, एसेट्स गिवन है 75,000 रुपीज के,
एसेट्स गिवन है 75,000 के, जिसमें 5,000 का कैश है, कोई बात नहीं होगा। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 60,000 का, कैपिटल्स हैं 60,000 रुपीज़ के। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। उसके बाद द गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000, गुडविल की वैल्यू गिवन है 24,000, और ये गुडविल निकली कैसे है, गुडविल निकली है 24,000 फोर ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फोर ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इंटू फोर, इससे गुडविल आई है। क्या आप मुझे यहाँ से सुपर प्रॉफिट बता सकते हो? हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फटाफट से गुडविल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ये 5p हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू फोर, सुपर प्रॉफिट 24,000 डिवाइड बाय 4, 6,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे सिर्फ सुपर प्रॉफिट पता है 6,000, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी मुझे नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। बट मुझे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं पता, बट कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ये हिंट है, ये हिंट है। अब मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकता है, या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, या फिर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब देखो, अगर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करूं तो यहाँ पे सिर्फ एसेट्स पता है मुझे 75,000 रुपीज़ के, लाइबिलिटीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स करूं तो बस कैपिटल पता है 60,000 के, रिजर्व्स के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे प्लीज़, हमारे पास 60 में प्लस करूंगा तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, यहाँ से तो माइनस करना है। तो यहाँ पे आप लाइबिलिटीज़ को जीरो एज्यूम कर लो। अगर लाइबिलिटीज़ को मैं जीरो एज्यूम कर लेता हूँ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो मेरा 75,000 रुपीज़ की कैपिटल आ जाती है ना। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे रिजर्व्स भी निकालने होते तो 75 के हिसाब से 15,000 के हमारे रिजर्व्स होते, तभी तो 60 प्लस 15 75 होता, समझे क्या? यहाँ पे आपका एजम्पशन ही आपको सही आंसर तक पहुँचाएगा। तो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जीरो मान लेता हूँ, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ यानी 75,000 रुपीज़ की मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखूं तो 75,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, व्हाट विल बी दी वैल्यू, वैल्यू विल बी 7500। इसको 7500 को हम लोग यहाँ रख देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट पे, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना इजी हो गया। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, 13,500। दिस विल बी दी फाइनल आंसर, 13,500 आपका आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट का। तो ये था हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 15। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सुपर प्रॉफिट मेथड के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, और इसके साथ साथ हम लोग अगर चाहें तो और भी चीज़ें और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन, तब तक आप एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगली क्लास में मिलते हैं कैपिटलाइजेशन के साथ। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।